वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ राजीव एंड यू आर वॉचिंग देसी इंग्लिश गुरु। सो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट द फ्रेजेज। सो आई विल टेल यू सम फ्रेजेज। सो फ्रेज का हमें ये फ़ायदा रहता है गाइस कि हम यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं, कम से कम हमें 5 से 10 वर्ड चाहिए होते हैं जहाँ एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर हम एक फ्रेज से भी काम चला सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वीपिंग स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वीपिंग स्टेटमेंट? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर स्टेट उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है हमें तो इसको हम बोलेंगे थॉटलेस स्टेटमेंट, अगर हिंदी में बोलेंगे तो व्यापक बयान। ठीक है, लेकिन मैं दोनों में बताऊंगा आपको, थॉटलेस स्टेटमेंट और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे, हिंदी में व्यापक बयान। व्यापक बयान, ठीक है, बयान। अब दूसरे नंबर पे आता है इसका, अगर कोई आपको स्टेटमेंट बनाना है तो आप ऐसे, मतलब एक आपको वाक्य बनाना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज गिविंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नाउ ए डे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आजकल वो बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे रहा है, या कोई पार्टिकुलर पार्टी का एक्स वाई जेड अपने नाम ले सकते हो, एक्स वाई जेड पार्टी जो है कोई भी, कोई पार्टी इज गिविंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब दूसरा है ऑल एट सी। ऑल एट सी, सो गाइस हम इसको इंग्लिश में तर्जुमा अगर करेंगे तो इसका मतलब है पजल्ड। तो अगर हिंदी में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेटिंग में इसका है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित, थोड़ी हिंदी वीक है मेरी तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा एनफ रोप। एनफ रोप, एनफ। सो गाइस प्रैक्टिस कीजिएगा इनको, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनाइएगा। हाँ, इसका एक हम सेंटेंस बना लेते हैं, ऑल एट सी, तो मतलब अच्छा चल, वो परेशान है। आई हैव क्लियर्ड द आईएएस एंड माय विलेजर्स आर ऑल एट सी। मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मेरे जो पड़ोसी हैं नेबरर्स या विलेजर्स मेरे गाँव वाले हैं वो क्या है, ऑल एट सी, वो बहुत परेशान है, आश्चर्यचकित हो गया वो। ठीक है, तो एनफ रोप का हम क्या बताएंगे अब, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, एनफ रोप मीन्स एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। अब इसका हम हिंदी में कैसे इसको बोलेंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता देना, कार्य करने की स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता देना। ठीक है, अब इसको अगर सेंटेंस बनाना हो हमें तो हम कैसे इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, गवर्नमेंट हैज गिवन एनफ रोप टू आर्मी। ठीक है गाइस, मतलब गवर्नमेंट ने आर्मी को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की। सो चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, चौथे नंबर पे है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, सो गाइस इसको अगर हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इरेगुलर। मतलब ये तो आपको पता ही होगा, जो
नियमित ना हो। तो जो नियमित नहीं है उसको हम बोलेंगे अनियमित, अनियमित। तो अब हम किसी को बताएंगे कि वो रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, वो अनियमित है, तो हम वहां पर ये सेंटेंस यूज सकते हैं, ही इज गोइंग स्कूल बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल बाय फिट्स एंड स्टार्ट, या फिर ही गोज टू स्कूल बाय फिट्स एंड स्टार्ट। वो स्कूल इरेगुलर जाता है, अनियमित जाता है, जब वो स्कूल अनियमित जा रहा है ना, जो भी आपको जिस भी टेंस टेंस में आपको यूज करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेंस की वीडियोस ना देखी हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बना के डाली हैं, आप उनको जाके ज़रूर देखें। सो गाइज, आज हम करेंगे 10 फ्रेजेस, ठीक है। अभी हमारी हुई हैं 4, सो अब चलते हैं 5वें नंबर पे, लेकिन मैं पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ। आपको ये नोट्स बनाने ज़रूरी हैं ताकि आपको कहीं ये अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से आपको वीडियो ना देखनी पड़े। तो अपने नोट्स जो होते हैं वो अपने रहते हैं, और साथ में इसे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाएंगी। सो गाइज, नेक्स्ट इज फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ। वैसे तो आपको पता होगा फाउल का मतलब क्या होता है, फाउल होती है दुर्गंध भी बोलते हैं हम, ठीक है, जिसको हम दुर्गंध भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ मतलब और आ रहा है, ठीक है। गेट इन टू ट्रबल, ठीक है, गेट इन टू ट्रबल, यहाँ पर इसका मतलब आ रहा है गेट इन टू ट्रबल, के मुसीबत में फंस रहा है वो। अगर हम हिंदी में इसको आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दुविधा में फंसना, दुविधा में फंसना। गाइस, आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो लेट मी रेडी क्रिएट द अदर वर्ड एंड आई विल राइट नेक्स्ट एज वेल। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर स्पीकिंग, टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, एंड दिस जर्नी ऑलवेज विल गोज अहेड, सो यू हैव टू लिव इन दिस जर्नी विद मी। सो गाइज, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी है। अब 6वें नंबर पे आती है गाइज, इसका हमने वो नहीं बनाया, सेंटेंस नहीं बनाया, मैं एक सेंटेंस बना लेता हूँ गाइज, आपको भी बनाना है ये सेंटेंस, इसका सेंटेंस बना लेता हूँ मैं। इसका सेल कैसे बनाएंगे हम, दुविधा में फंसना कैसे बनाएंगे हम बनाएंगे, चलो उसने एक गाड़ी ली और वो दुविधा में फंस गया, उसने गाड़ी ली और वो दुविधा में फंस गया। ही फेल फाउल ऑफ बिकॉज ही वॉट ए न्यू कार या बाइक, ठीक है, वो दुविधा में फंस गया क्योंकि उसने नई गाड़ी ली, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसने बात करके दुविधा में फंस गया, ही फेल इन टू फॉल बाय स्पीकिंग, ठीक है। अब 6 नंबर पे हमारा आता है टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक। बेटू बाहर चलो, पीहू बाहर जाओ, चलो। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज, मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। इसका मतलब हुआ बड़ी हड़ताल की चेतावनी, ठीक है गाइस, ये एक बार आईएएस के प्रिलिमिनरी में आ चुका है। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आप कोई कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट स्ट्राइक होल्डर्स, बड़ी हड़ी हड़ताल, बड़ी हड़ताल की चेतावनी। तो चलो इसको हम फार्मर्स पे बना लेते हैं, जो अब फार्मर्स ने वो की थी हड़ताल, तो उसी को पे बनाते हैं द फार्मर्स। इसके सेंटेंस हम बना लेते हैं एक, द फार्मर्स टोकन स्ट्राइक, ठीक है, द फार्मर्स गेव टोकन स्ट्राइक, उन्होंने बड़ी हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर दी है तो फिर लिखेंगे हम द फार्मर्स गिव टोकन स्ट्राइक, ठीक है। अब 7वें नंबर पे आता है फेस द
म्यूजिक फेस द म्यूजिक। गाइज आप कमेंट नहीं करते हो, आप सिर्फ वीडियो देखे चले जाते हो, तो प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसी लग रही है वीडियो। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आई विल श्योरली डू इम्प्रूवमेंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, या फिर आपकी कोई और सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ज़रूर करिएगा। सो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रिप्राइमेंडेड, ठीक है। गेट रिप्राइमेंडेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डांट खाना, ठीक है। जब किसी को हम डांटते हैं या जो वो डांट खाता है तो उसका मतलब फेस द म्यूजिक कर रहा है वो, या फिर आलोचना झेलना, ठीक है। डांट झेलना या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आलोचना, आलोचना झेलना। सो हाउ वी कैन मेक ए सेंटेंस बाय यूजिंग दिस, सो गाइज यू कैन से द पियोन इज फेसिंग द म्यूजिक बिकॉज द रूड नेचर ऑफ ऑफिसर। इसका मतलब हुआ ऑफिसर की रूड नेचर की वजह से वो बेचारा डांट झेल रहा है पियोन, ठीक है। सो गाइज एट्थ नंबर पे आता है हमारा लुक डाउन अपान, ठीक है। इसका मतलब हुआ लुक डाउन अपान। अब इसको हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हेट इंटेंसली, हेट आई एन टी ई एन एस ई एल वाई, हेट इंटेंसली, ठीक है। तो अब हम इसको हिंदी में कैसे करेंगे कन्वर्ट, घृणा करना, घृणा करना, घृणा करना। तो गाइज इसको हम कैसे बोलेंगे, लुक डाउन अपान। सो मान लो मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है तो मेरे साथ अब नफरत कर रहा है, वो घृणा कर रहा है। आप यहाँ पर नफरत वर्ड भी यूज कर सकते हो, नफरत करना, नफरत करना। सो मेरा कोई दोस्त है तो नाउडेज ही इज नॉट गुड, नाउडेज वी बोथ हैव नॉट गुड रिलेशन, सो वी कैन यूज आर ही कैन यूज अगेंस्ट मी दैट ही इज लुकिंग डाउन अपान मी, he is looking down upon me, ठीक है, कि मेरे साथ वो मुझे अब नफरत करने लगा है। So guys, let us erase them and we will talk about two more phrases. So guys, please subscribe the channel and tell about my performance, how I am teaching to you. I think I am not teaching you, I am just guiding to you and providing material or literature which can help you to be fluent in speaking. So guys, मैं भी अभी सीख रहा हूँ आपके साथ, so चलते हैं, ये जर्नी कहाँ तक चलती है। So guys, अब हम बात करेंगे नाइन्थ की, flogging a dead horse, नाइन्थ नंबर पे है flogging a dead हॉर्स। तो गाइज इसका क्या मतलब हुआ, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। तो हम इसका बता, इसका मैं हिंदी में ट्राई कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं, बेकार। इसका मतलब हुआ जैसे आपको ये तो इधर से पता चल रहा होगा, बेकार कामों में या कार्यों में, कामों में समय खर्च करना, समय खर्च कर, टाइम वेस्ट करना, मतलब इन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ आपको। तो इसको हम कैसे बताएंगे, आई एम फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स इन मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। सो गाइस आज के लास्ट फ्रेज है, आज की लास्ट फ्रेज की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा गाइस कि आपको ये सिर्फ सुनने नहीं है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो लास्ट वाली पे बात करते हैं, अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड का इंग्लिश में मतलब इसका मीनिंग है क्या,
इसका मतलब है अंडर सस्पेशन, SUS अंडर सस्पेंशन, ठीक है, इसका मतलब हुआ शक के दायरे में, जब कोई हमारे शक के दायरे में आता है।